नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको कटिंग के एक और स्टाइल से रोशनास कराएंगे। इसको चॉप कहते हैं या चॉपिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी वेजिटेबल, किसी भी थिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, कट इंटू स्मॉल पीसेस। तो चॉपिंग करने के लिए हमें प्याज को उसी तरीके से छीलना है और छीलने के बाद इसके दो पार्ट्स में इसको अलग-अलग कर लेना है। अब वही स्टाइल हम करेंगे कि प्याज का जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसको अपने सामने रखेंगे और जो स्मूथ और स्ट्रेट हिस्सा है उसको कटिंग बोर्ड पर रखकर ऊंचे वाले हिस्से पर हम कट्स लगाते जाएंगे स्टार्ट से लेकर आखिर तक। लेकिन हमें कट्स लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि पीछे से प्याज जो है वो अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद रहे। अगर हमने इसको आखिर तक कट लगा दिए तो जब हम इसकी चॉपिंग कर रहे होंगे तो तमाम प्याज बिखर जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि आखिरी वाले हिस्से से पूरा प्याज अटैच रहे और दरमियान और सामने से लेकर प्याज एंड तक अच्छी तरह से कटिंग हो जाए। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। हम प्याज के सीधे हाथ से इस पर लंबाई में कट लगाना शुरू करते हैं। जब सीधे हाथ से लेकर उल्टे हाथ तक तमाम कट लग जाएं, तो इसके बाद आपने इस प्याज को हल्का सा टर्न करना है और जिस जगह पर आपने स्टार्ट से लेकर आखिर तक कट लगाए हैं आपने इस जगह के हिस्से को फिर सामने से चॉपिंग के स्टाइल में स्टार्ट से लेकर आखिर तक कटिंग कर लेना है। अब आखिर में जो हिस्सा आपने छोड़ दिया था और जिस पे आपने कट नहीं लगाए थे उस पर दोबारा कटिंग कर लें। इसी अंदाज से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के क्यूब्स बड़े भी कटिंग कर सकते हैं और छोटे भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है कि आप किस तरह से कटिंग करेंगे। चॉपिंग किया हुआ प्याज, हरा धनिया, पुदीना बहुत सी चीज़ों में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कीमा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और पकोड़े और ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। तो कटिंग का ये स्टाइल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो करते हुए कटिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।